जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस एनालिसिस के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस से जुड़ी टॉप अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्जुन मार्क 1A टैंक के बारे में। दोस्तों, वर्ष 2021 में भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा 118 अर्जुन मार्क 1A मेन बैटल टैंक्स का ऑर्डर प्लेस किया जाता है, जिसकी लागत 7523 करोड़ रुपए होती है। और इसका एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, जिसकी प्रोडक्शन लाइन पिछले तकरीबन 10 वर्ष से आइडल पड़ी थी, वो एक बार फिर से एक्टिवेट होती है। और अब रिसेंट मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि अर्जुन मार्क 1A का जो पहला बैच है, वो इंडियन आर्मी को मार्च 2024 तक डिलीवर कर दिया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि 2026 तक जितने भी ऑर्डर्स हैं, यानी 118 टैंक्स के जो ऑर्डर हैं, उन्हें सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। वहीं रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक बार फिर से इंडियन आर्मी के पास पहुंची है, और DRDO का ये मानना है कि उन्हें अर्जुन मार्क 1A के जो एडिशनल ऑर्डर्स हैं, उनका इंतजार है। और ये कहा भी जा रहा है कि इंडियन आर्मी शायद इनके एडिशनल ऑर्डर को लेकर के विचार कर सकती है। दोस्तों, अर्जुन मार्क 1A टैंक इंडियन आर्मी के सबसे खतरनाक टैंक्स में से एक है। ये एक 68 टन वजनी टैंक है, जो कि काफी लीथल, सोफिस्टिकेटेड और ऑल वेदर टैंक है, जिसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी के द्वारा किया जाएगा। मार्क 1A की बात करें तो इसमें 72 इम्प्रूवमेंट्स करी गई हैं और इसमें 14 मेजर अपग्रेड्स भी किए गए हैं, जो कि इंडियन आर्मी के रिक्वेस्ट पे किए गए हैं। अब आइए जान लेते हैं वो इम्प्रूवमेंट या अपग्रेड्स क्या हैं, जिन और उनके आने के बाद अर्जुन की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। अर्जुन की बात करें तो अर्जुन मार्क 1A में जो फायर पावर सेगमेंट है, उसमें 4 मेजर अपग्रेड किए गए हैं। पहला तो ये है कि इसकी गनर मेन साइट को अपग्रेड किया गया है, जिसे हम MMS कहते हैं, और इसे ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग के साथ इंटीग्रेट भी किया गया है, जिसका मतलब ये है कि जो क्रू है वो मूविंग टारगेट को भी ट्रैक कर सकता है ऑटोमेटिकली। और गनर के लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं, क्योंकि जब टैंक मूव कर रहा होता है तो उस दौरान भी वो टारगेट पर ईजिली फायर कर सकते हैं। दूसरा बड़ा अपग्रेड है कमांडर्स पैनोरमिक साइट, यानी CPS मार्क 2, और इसे थर्मल इमेजर के साथ इंटीग्रेट किया गया है, जो कि कमांडर को इनेबल करती है कि चाहे दिन हो या रात हो, जो सर्वेलेंस है उन्हें इजीली कनेक्ट किया जा सके। और कमांडर को इसमें काफी ज्यादा मदद भी मिलती है, क्योंकि इसके माध्यम से कमांडर को आसपास क्या हो रहा है इसकी पूरी जानकारी होती है। और लेजर रेंज फाइंडर जो है वो इसकी कैपेबिलिटी को और भी ज्यादा एनहांस करता है। अगर हम टैंक के फायर पावर की बात करें तो ये टैंक फिन स्टेबलाइज्ड आर्मर पियर्सिंग डिस्कार्डिंग सैबर्ट और हाई एक्सप्लोजिव स्क्वाड एमिनेशन राउंड्स को फायर करने में सक्षम है। इसके अलावा जो थर्मोबेरिक यानी TB और पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट यानी PCB जो एमिनेशन है, वो भी इसके लिए विकसित किए जा चुके हैं। वहीं ये टैंक इन राउंड्स के अलावा जो एंटी टैंक गार्डेड मिसाइल है, खासकर अगर हम बात करें तो जो समहो एंटी टैंक गार्डेड मिसाइल है, जिसको इंडिजिनसली डेवलप किया गया है, ये एक लेजर गाइडेड एंटी टैंक गार्डेड मिसाइल है। इसको ये अपने 120 mm की जो गन है उससे फायर कर सकता है। और ये जो एंटी टैंक गार्डेड मिसाइल है, इसकी रेंज 0.8 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की है। और ये जो एडवांस टैंक है, जो कि एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर के साथ आते हैं, उनको तबाह करने में सक्षम है। यानी इस एंटी टैंक गार्डेड मिसाइल से जो एनिमी के टैंक है वो भी बच नहीं सकते हैं। वहीं इसके अलावा ये इजरायली लेजर होमिंग एंटी टैंक मिसाइल, जिसका नाम लाहत है, उसको भी फायर करने में सक्षम है। अगर हम अर्जुन टैंक के 120 मिलीमीटर राइफल गन की बात करें तो ये इलेक्ट्रो स्लैग रिफाइंड गन स्टील ट्यूब डिजाइन को फीचर करती है, जो कि हायर गैस प्रेशर को विदस्टैंड कर सकती है। वहीं अर्जुन टैंक की बैरल की बात करें तो ये रशिया के जो टी सीरीज के टैंक हैं, उनकी तुलना में बेटर लाइफ भी ऑफर करती है, और उनकी तुलना में तकरीबन दोगुने जो राउंड्स हैं उनको फायर करने में भी सक्षम है। जी हाँ, अगर हम रशियन टी सीरीज टैंक से इनको कंपेयर करें तो इनकी फायर पावर को काफी इम्प्रूव किया गया है। वहीं अर्जुन मार्क 1A टैंक में एक अपग्रेडेड रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन भी दिया गया है, जो कि लोडर को ये कैपेबिलिटी प्रदान करता है कि जो ग्राउंड टारगेट्स हैं या एरियल टारगेट्स हैं, उनको प्रोटेक्टिव एनवेलप के अंदर, यानी टैंक का आर्मर जो है उसके अंदर रहते हुए भी इंगेज कर सकता है। और इस प्रकार जो ये एडिशनल कैपेबिलिटी है, गनर के पास में होती है या लोडर के पास में होती है। गौर करने वाली बात यह है कि अर्बन वॉरफेयर में इसका एक अपना महत्व है, और इसे हैच क्लोज्ड फायरिंग भी कहा जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं अर्जुन टैंक के प्रोटेक्शन के बारे में, कि हमारा अर्जुन टैंक कितना ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। अर्जुन टैंक के प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें इंडिजिनसली डिजाइन कंचन कंपोजिट आर्मर इस्तेमाल किया गया है, जो कि बेसिकली सिरेमिक टाइल और कंपोजिट पैनल्स, जो कि रोल्ड होमोजेनस आर्मर के बीच में होते हैं, उनसे बना है। और इसे अलग अलग जो मॉडर्न एंटी टैंक म्यूनिशंस हैं उनके अगेंस्ट टेस्ट भी किया गया है।
वहीं अर्जुन टैंक में प्रोटेक्शन की बात हम कर ही रहे हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि इसमें अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय DMR 1700 स्टील आर्मर प्लेट्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जिनका निर्माण DMRL के द्वारा किया गया है, जो कि काइनेटिक एनर्जी प्रेडेटर प्रोजेक्टाइल के अगेंस्ट 20-25% ज्यादा जो प्रोटेक्शन है वो प्रदान करते हैं। अगर हम अर्जुन टैंक के हल्के फिल्टर आग की बात करें और टरेट की बात करें तो इसमें ERA यानी एक्सपोजर रिएक्टिव आर्मर प्रोटेक्शन भी दिया गया है। अर्जुन टैंक जितना एंटी टैंक म्यूनिशन के अगेंस्ट इफेक्टिव है उतना ही ज्यादा ये सेफ है केमिकल प्रोटेक्शन के लिए। जी हाँ, अर्जुन मार्क 1A टैंक में जो केमिकल अटैक्स हैं उनके अगेंस्ट भी अच्छी खासी प्रोटेक्शन दी गई है। इसमें एक स्पेशल सेंसर माउंट किया गया है जो कि आसपास के एटमॉस्फेयर में जो हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल्स हैं इनके प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है और जो टैंक क्रू होते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर फिल्टर से जो एयर है वो पास होती है, जो कि उनके सर्वाइवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी ये टैंक पूर्णतया सुरक्षित भी है और इसीलिए इसे इंडियन आर्मी के सबसे पावरफुल और सबसे मॉडर्न टैंक्स में गिना भी जा रहा है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये स्वदेशी भी बने हुए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इसके अलावा अगर हम इसके बैटल मैनेजमेंट सिस्टम पर नजर डालें तो वो भी काफी खास है। बात करें अगर हम अर्जुन टैंक के बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम की, तो अर्जुन टैंक का ये जो बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम है इसे DRDO और इसराइल की इल्बिट सिस्टम के द्वारा विकसित किया गया है। ये सिस्टम टैंक को दूसरी जो फाइटिंग यूनिट्स है बैटलफील्ड में उनसे कनेक्ट करके रखता है। वहीं इस टैंक में GPS बेस्ड जो नेविगेशन सिस्टम्स हैं उनसे भी इक्विप करके रखा गया है। अपग्रेड्स की बात करें तो इस टैंक में एक लेजर वार्निंग कंट्रोल सिस्टम और एक टैंक अर्बन सर्वाइवल किट जिसमें एरोसॉल स्मोक ग्रेनेड सिस्टम है वो शामिल है। और भी इस प्रकार के कई अपग्रेड्स इसको दिए गए हैं। लेजर वार्निंग एंड काउंटर मेजर की बात करें तो क्रू को यह प्रोटेक्ट करने का काम करता है। वहीं इसमें जो एंटी इंफ्रारेड या एंटी थर्मल इमेजिंग पेंट्स हैं वो इसके सिग्नेचर को रिड्यूस करते हैं ताकि जो एनिमी के IR कैमराज हैं वो इसे जल्दी डिटेक्ट ना कर पाएं और इस प्रकार यह टैंक सुरक्षित रहता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको इसी प्रकार की जो इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं वो समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।